नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। धार जिले के ग्राम लावरिया में रहने वाले पत्रकार दिनेश मारू की हत्या उनके ही एक परम मित्र ने कर दी थी, जो कि उनके ही खेत के पड़ोसी है। पत्रकार साथी की हत्या पर जिले के सभी पत्रकारों ने आक्रोश जताया था, साथ ही सरदारपुर के समस्त पत्रकार गणों ने मिलकर एसडीएम व एसडीओपी को ज्ञापन देकर निवेदन किया था कि पत्रकार साथी की हत्या के दोषी को शीघ्र अतिशीघ्र पकड़कर माननीय न्यायालय से उचित दंड दिलवाया जाए। इसी के चलते धार जिला पुलिस अधीक्षक वीरेन कुमार सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा एवं रूपेश द्विवेदी के निर्देशन में एसडीओपी सरदारपुर एनएस कंसोटिया थाना प्रभारी राजो सुश्री मीणा कर्णावत एवं धार क्राइम ब्रांच प्रभारी संतोष पांडे को इस मामले की जाँच में लगाया गया था। जाँच की उक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी। तब आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर पूरा मामला विस्तृत से बताया। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अपने पत्रकार बंधु थे दिनेश मारू, थाना राजौरिया में 2 अक्टूबर 2018 को एक हत्या का अपराध दर्ज किया गया था, उसके संबंध में थी। उसका आज खुलासा किया गया है। इसमें जो समय लगा वो मुख्य तौर पर जो वैज्ञानिक साक्ष्य थे उसको संकलित करने में लगा। इसके अलावा एक भोपाल से डायटन की रिपोर्ट आनी थी, जिसने सत्यापित किया कि मृतक की जो मौत है वो पानी में डूबने से ना होकर सीने में जो घाव था उसकी वजह से हुई। उसी के आधार पर जो घटना स्थल घटना दिनांक घटना स्थल पर कृष्ण राठौर वहाँ पे मौजूद था, उससे दोबारा पुनः पूछताछ की गई तो उसने अपने जन्म को करना। सर, आपसी रंजिश की है क्या? इसमें आपसी रंजिश ना होकर घटना स्थल पर ही आपस में विवाद हुआ और विवाद बढ़ गया तो आपस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथ पैर वगैरह चलाए तो उसी में फिर घटना बढ़ते बढ़ते उसमें उसका हत्या हो गया। विवाद का कारण मुख्य तौर पर जो मृतक था वो कृष्णा राठौर के लिए केवल नदी से एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने वाला था, परंतु वह घटनास्थल पर लेट पहुंचा था। लेट पहुंचने पर उसने मृतक जो अभियुक्त है उसने मृतक को गाली दी और उसी से फिर विवाद बढ़ते बढ़ते ये घटना का अंजाम। कैसे पहुंचे इस निष्कर्ष पे? इस तरीके से पहुँचे कि जिस दिन ये घटना हुई थी उसके तुरंत बाद सभी लोग घटनास्थल पे पहुँचे, पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं, एसडीओपी साहिबान, तो जितने भी वहाँ पे खेतों पे लोग काम कर रहे थे उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया था कि जो मुख्य अभियुक्त है वो घटना दिनांक घटना समय पे कृष्ण राठौर के साथ। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।